हेलो गाइस, व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे इज द नेक्स्ट डे और आज का व्लॉग भी बहुत लेट आने वाला है गाइस, होपफुली 10-11 रात के, क्योंकि मैं 365 डेज तो तोड़ना नहीं चाहती, बट लेट आएगा तो आप जैसे हर बार काम चला लेते हो आज भी चला लेना, आज नहीं देख पाओगे तो कल सुबह उठ के देख लेना, नो वरीज गाइस, पर देख जरूर लेना व्लॉग क्योंकि आज होने वाला है पापा का बर्थडे स्पेशल व्लॉग। और मंडे से मेरे व्लॉग ऑन टाइम आएंगे जल्दी, मतलब वही 12-1 बजे तक दिन में डाल दिया करूँगी, लेट नहीं करूँगी, बस मुझे थोड़ा अभी टाइम चाहिए था अपने आप पे काम करने के लिए गाइस, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ समथिंग, तो अब बेटर है पर थोड़ा और टाइम चाहिए टू वर्क ऑन मी। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और पापा के लिए तो कपड़े का मेरा कोई आइडिया नहीं है, पापा ने मना किया कपड़े नहीं लाने, शूज़ नहीं लाने, बट हम लोग ऑब्वियसली लाएंगे जा रहे हैं तो। और मुझे पापा को कुछ स्पेशल चीज़ देनी थी, अभी उसमें आने में टाइम है और अभी काफ़ी टाइम है, मंथ्स हैं उसको आने में, तो वो मेरे पापा का बर्थडे सरप्राइज़ रहेगा, वो पेंडिंग है और तुम लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। सो अभी तो हम नॉर्मल सेलिब्रेट कर रहे हैं, शिल्पा भी नहीं है, कहीं जाएंगे नहीं, तो शिल्पा जब आएगी तब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे हम ऑब्वियसली, तो अभी फटाफट चलते हैं और कुछ लेकर आते हैं। मॉल आ चुके हैं और अब मैं तुम्हें यहाँ डिफरेंस दिखाऊंगी कि जब हम दुबई में ऐसे मॉल्स में व्लॉग बनाते थे कोई नहीं रोकता था, कोई नहीं टोकता था, कितनी बड़ी ब्रांड में चले जाओ, कितनी छोटी यार, डरा दिया इसने गाइस, विवेक से मिलो, बहुत दिनों बाद मिला है और बस गाइस मुझे ऐसे फील, मैं मतलब इंटरनेशनल के बाद इधर आके ना गाइस में ऐसे फील हो रहा है ना, मतलब ज़ारा में तो गाइस सेल ही मिल रही है इधर आके, और दुबई का ज़ारा तो टोटली इतना महंगा था, सोच रही हूँ बर्थडे ड्रेस देख लूँ, रिफ्लेक्टर ही तो है नहीं। फिर क्या है, जैकेट ये रिफ्लेक्टर है मेरे ख्याल में, पर बेकार है। चक्कर आ गए गाइस इतनी शॉपिंग करके, पापा के लिए तो कुछ खास मिला नहीं, इसने अपने लिए और मैंने अपने, पापा के लिए वैसे हमने लिया है कुछ, बट घर जाके दिखाऊंगी, चक्कर आ रहे हैं बहुत तगड़े ना, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों है, लाइट्स की वजह से शायद, और हमें पसीने आ रहे थे मोटी जैकेट्स में गाइस, हमारी एनर्जी सुपर लो हो गई, अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम और वो भी कप में, और जो चीज़ मैं खाती हूँ पीछे नहीं रहती, ऐसे सब चाहिए। जो भी ले रही हो दो लेना। मुझे पता नहीं क्या टेस्ट बनेगा इसका। थैंक यू। मेरी है ये। मैंगो तो क्या? पता है मुझे। इसमें कौन से करने? बताओ सर इसमें कौन से करा है? ये करा ले। चीज केक। अबे स्ट्रॉबेरी। चीज केक। वो है इसमें का चॉकलेट। हेज़लनट। हेज़लनट करा दे। बटर स्कॉच करा एक बोल। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ही बोल रही हूँ। या सेम स्वाद। वो तो तू ऊपर की खा ले पहले, नीचे की बात। काम कर अपना, निकल। सबकी शॉपिंग खत्म हो गई, दुनिया में ये रह गया अकेला इकलौता गाइस। क्या चाहिए भाई ऐसा? साइकिल चलाऊंगा अभी इसमें। बड़ी बड़ी सामने। इसकी नहीं हो रही शॉपिंग खत्म।
पता नहीं कहाँ कैंप पे जाएगा जो इतना। ओ वाओ आपका पेट तो बहुत सुंदर लगा। अबे पेट इसमें लग रहा है। फिट आया ना ये है बढ़िया इंग्लिश कलर होता है ये टाइटन नहीं श्योर अरे श्योर या श्योर बढ़िया लग रहा है। मिरर किधर है ये फाइनली मैंने पापा के लिए ये लिया है। ये एक स्वेटर है और मेरे पापा को ऐसे जिपर वाले अच्छे लगते हैं ऊपर तक जो ऐसे बंद होते हैं तो दिस वन स्वेटर। और मैंने अपने लिए लिया है अपने क्या मम्मी और मेरे लिए लिया घर में पहनने के लिए ऐसी जैकेट क्योंकि भाई ये जिनके घरों में रोज़ गाने चल रहे हैं ना मुझे नहीं समझ आ रहा है क्यों क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज तो मैं इनकी कंप्लेन कर नहीं करूँगी ऑब्वियसली बट अभी मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे इनके गाने। बाकी मैं अपना दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या लाई हूँ। वेट गाइस ज़ारा में सेल चल रही थी तो मैं ये ऑन सेल लाई हूँ दिस पर्पल फ्रॉक मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं शायद अपने बर्थडे पहन लूँ और बड़ा क्यूट सा है। पहले मैंने एक्सेस लिया था इसमें फिर मैंने सोचा स्मॉल ले लेती हूँ एक्सेस कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा शायद ना आए मैं अभी मोटी हो चुकी हूँ थोड़ी सी तो वैसे सब मुझे बोल रहे हैं मतलब फेस से मोटी हो गई हूँ बाकी बॉडी नीचे की बहुत पतली हो गई है तो पता नहीं मुझे वैसे फिर मैं स्मॉल ही ले आई कि रिस्क क्यों लेना स्मॉल ले लेते हैं। बाकी मैंने शिल्पा को भी वीडियो कॉल की थी तब उसने पिक नहीं की मे बी बाहर होगी कहीं घूम रही होगी तो उससे कंफर्म करने के लिए पर फिर मैं रिस्क पे स्मॉल ले आई। वैसे रिटर्न कर सकते हैं बट वो ये झंझट है कौन जाए बार बार। और ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था दिस ब्लैक कोट और ब्लेजर और समथिंग आई डोंट नो व्हाट वी कैन से बट मैंने ये ले लिया। और ये थोड़ा सैटिन में और सैटिन आई लव सैटिन वाले शाइनी कपड़े पता नहीं क्यों तो ये सैटिन वाला कोट मुझे बहुत अच्छा लगा सो आई बॉट दिस। और मैंने पहन के भी दिखाया था तुम लोगों ने शायद देख लिया होगा तो यस। और इससे पहले जो बर्थडे क्लिप थी पापा की मैंने मम्मा को कहा व्लॉग फॉर्मेट में बना देना मम्मी ने रील फॉर्मेट में बना दी पता नहीं क्यों गाइस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है तो एडजस्ट कर लेना उसमें भी। और मंडे से फॉर श्योर ऑन टाइम व्लॉग्स आएंगे और कल मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगी तो कल का व्लॉग भी अच्छा होने वाला है गाइज वो भी लेट ही आएगा शाम को ही आएगा तो तुम लोग दिन से वेट मत करना बिकॉज मुझे टेक्स्ट आते हैं तुम लोगों के कमेंट भी काजल थी हम लोग पूरा दिन वेट कर रहे थे तो दिन में वेट मत करना शाम को 6-7 बजे मैं डाल दूंगी या फिर उससे जल्दी हो सका तो। बाकी मेरे पापा को सब हैप्पी बर्थडे विश कर देना और अपनी सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना मेरे पापा को एंड हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। वैसे मैं शर्म आती है यार पापा को रियल में विश करने में बट ब्लॉग तो देख रहे हैं तो हैप्पी बर्थडे आई लव यू ब्रो। तो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव था मैं सीधा राजमा चावल खा के सोने जाऊंगी क्योंकि मम्मी ने राजमा चावल बनाए हैं। तब तक के लिए गुड नाइट टेक केयर बाय।